हेलो, गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. बी अ गुड स्पीकर. दिस चैप्टर्स 11 आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विथ यू. सम पीपल आर गुड स्पीकर, सम आर साय, सम स्पीक इजिली विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, बट बिकम्स नर्वस इन द फ्रंट ऑफ बिग ऑडियंस. व्हाट अबाउट यू? मतलब कुछ लोग अच्छे स्पीकर होते हैं, कुछ लोग शर्माते हैं, कुछ लोग फ्रेंड्स के साथ इजिली बोलते हैं, कुछ लोग नर्वस फील होते हैं बिग ऑडियंस के पास. व्हाट अबाउट यू? आपके बारे में क्या है? इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू स्पीक वेल, एंड इफ यू मेक अप योर माइंड इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू सो. बहुत इंपॉर्टेंट है सबके सामने बोलना. अगर आपने माइंड बना लिया है तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा. रिमेंबर दीज फ्यू थिंग्स व्हेन यू स्पीक. स्पीक क्लियरली, डोंट मंबल. लुक एट पर्संस व्हेन यू टॉक टू देम. यू शुड नॉट बी टू लाउड और टू सॉफ्ट, टू फास्ट और टू स्लो. बी पोलाइट एंड बी प्लेजेंट. Give a thought to the other person's feeling and interest. मतलब क्लियरली बोलना है, पर्सन जिससे बात करें उसके पास देखना है, ज़्यादा तेज और ज़्यादा स्लो नहीं बोलना है, ज़्यादा मतलब धीरे नहीं बोलना है, ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा स्लो नहीं बोलना है. हमेशा रिक्वेस्ट लैंग्वेज यूज़ करना है और दूसरे की इंपॉर्टेंस, सोच को इंपॉर्टेंस देना चाहिए. When you take part in discussion, जब हम डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, डोंट कीप टॉकिंग ऑल द टाइम, लेट्स अदर स्पीक. हमेशा बात नहीं करते रहने का, दूसरे को बोलने देने का. सो इंटरेस्ट इन व्हाट अदर्स से एंड लिसन केयरफुली. दूसरा क्या बोल रहा है उसको ध्यान से सुनो, उसको भी इंटरेस्ट दो. व्हेन यू एग्री विद अदर्स और लाइक देयर आइडियाज़, डू टेल देम दैट. अगर तुमने किसी की आइडियाज़ को पसंद कर लिया है, तुमको अच्छा लग रहा है, तो उसके साथ ये दो, उसको बताओ. डू शेयर योर ओन थाट एंड आइडियाज़ विद अदर्स. दूसरों से अपनी सोच को शेयर करो. If you do not understand something, ask for an explanation politely. अगर तुमने कोई चीज़ नहीं समझी तो सामने वाले को बोलो explain करने के लिए. Use polite words and expression when you want to interrupt someone. जब किसी की बात को काटना चाहते हो तो उस टाइम में polite language use करो. When you disagree with someone or when you seek explanation and give them. अगर किसी से सहमत नहीं हो या किसी को explanation देना चाहते हो तो इसको explanation दो. This will be the rule of when you are taking participate in discussion. Next will be when you want to give a speech. अगर आपको speech देना है तो plan your speech in advance. Advance में plan करो. नोट द पॉइंट्स एंड अरेंज देम प्रॉपरली. पॉइंट्स को अरेंज करो, अरेंज उसको प्रॉपरली अरेंज करो. रिहर्स इन द स्पीच इन अ माइंड एंड गो अहेड. अपने स्पीच को रिहर्सल करो और बाद में आगे जाओ. इज दिस क्लियर? थिंग्स टू डू. लिस्ट एंड से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री विद द पैसेज और नॉट. यू शुड ऑलवेज स्पीक सॉफ्टली बट क्लियरली. एग्री. इन अ डिस्कशन यू शुड शेयर योर आइडियाज विद अदर्स. एग्री. If you don't understand something, don't let the others know about it. Disagree. You should try to talk most of the time whenever in the discussion. Disagree. You should look at the person you are talking to. Agree. When you want to make a speech, there is no need to think about it in advance. Disagree. Is this clear? Then this will be the answer of things to do ka pehla. Okay, next will be it is not the good speaker because it is not prepared in advance. Kyunki wo dekh ke bol rahi hai. So it is, he is, she is not the good speaker. She is also not the good speaker because she is talking loudly and others getting bored. She is good speaker kyunki wo bina dekhe bol rahi hai, acche se bol rahi hai, confidence mein bol rahi hai. She is also not good speaker because he is talking very softly. And they both are the good speaker and listener. Is this clear? So ye aur ye dono good speaker hai, baki teeno good speaker nahi hai. Is this clear? Next will be these two questions answer you to write. What are the qualities of the good speaker? Good speaker ki quality kya hai? Answer will be here. These are the qualities. Koi bhi teen qualities likh lo. Theek hai. Next question is what things we have to keep in mind actually mind ho gaya mind to mind hoga while take part in discussion. क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए जब हम लोग डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. आंसर विल बी इसमें से कुछ भी तीन क्वालिटीज़ आप लिख लो. ठीक है. एन स्टूडेंट यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस पिक्चर्स का आंसर फोर्थ वाला. एंड यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस टू क्वेश्चन. इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.